Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. बदले की नियत से अवैध कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। 17 तारीख को आईजी ने एक बैठक ली और बिंदु संख्या 2, जिसका हवाला नहीं है, लेटर मुझे मिला है व्यक्तिगत सोर्स से, अधिकृत रूप से नहीं, बावड़ीखेड़ा में एक क्रेशर संचालित है जो अवैध है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस पर कलेक्टर की तरफ से 22 तारीख को 7 विभागों को संयुक्त जिम्मेदारी दी, पुलिस, डीएफओ, यूआईटी, एसडीएम, पॉल्यूशन, परिवहन और माइनिंग। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिरला जी ने हार मान ली और पूरी सरकार ने सारे प्रशासन की पावर ऑफ अटॉर्नी शासन की आईजी कोटा को दे दी। ऐसा लगता है जैसे सारा प्रशासन पंगु हो गया, शासन और आईजी अब यहाँ सारी व्यवस्था का ठेकेदार बन गया और ठेकेदार बनकर कौन कौन भाजपा विरोधी है उन सबको कैसे शासन की ताकत के मुद्दे पर टारगेट किया जा सकता है, ये कार्रवाई उसका हिस्सा है। मैंने सब दस्तावेज आपको दिए हैं। राजाराम भील नाम के व्यक्ति की खातेदार की ये जमीन है। 9/7/2010 को एसडीएम लाडपुरा ने एक्सक्लूसिवली क्रेशर के लिए इसका कन्वर्जन किया है और जब क्रेशर का कन्वर्जन होता है तो फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की, रेवेन्यू की, तमाम एनओसी के बाद ये संभव होता है, एनवायरमेंट सब की एनओसी के बाद। 16/5/2011 को राजाराम ने सेल परमिशन ली कि मैं इसको बेचना चाहता हूं। 23/10/2011 को मेरी पत्नी के नाम इस जमीन की रजिस्ट्री हुई है। कन्वर्जन होने के बाद के भी 1.25 साल बाद 23/10/11 से हम 2015 तक क्रेशर नहीं लगा पाए नियमों के दायरे में। अवधि विस्तार की 30/1/2015 की हमको छूट मिल गई, राज्य सरकार ने इस पर छूट दिए, वो पत्र भी मैंने आपको दिया है। और 2016 से हम वहाँ क्रेशर ऑपरेट कर रहे हैं। कोरोना काल में कुछ समय बंद रहा और हमारे पास ऑपरेट टू कंसेंट 2016 से लेकर 2000 बीच में 30/6/2028 तक के एनवायरमेंट की हमारे पास परमिशन है। इसके बाद हमको किसी भी महकमे की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। जानबूझकर ये सरकार, ये आईजी जिसको मैंने कॉलेज चुनाव के अंदर टारगेट किया था, ये बिल्कुल एजेंट की तरह काम कर रहा है और आज भी आईजी का वो चरित्र वफादारी निभाने का देखिए, मैं विरोधियों को पुलिस की शासन की ताकत पर किस तरीके से नीचा दिखाने की हैसियत रखता हूँ। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहा हूँ, कोई गलत काम करेंगे उसका गंभीर परिणाम होगा। नियमों के दायरे में आप नापना चाहते हैं नाप ले, कोई इलीगल नहीं है। खातेदार से कन्वर्ट शुदा प्लॉट खरीदा है, एनवायरमेंट क्लियरेंस 2028 तक की है। एक एक काम और चारों तरफ जो खातेदार हैं मेरी जमीन सड़े हुए, वहाँ 1 इंच जमीन भी न फॉरेस्ट है न सिवाई चक, मेरे खेत के चारों तरफ खातेदार है क्रेशर। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मेरी क्रेशर को आप नाप लीजिए। 4 तारीख के बाद किस फैक्ट्री में कितने 100 बीघा जंगलात है, काली सिंध डीबरी, पीतामपुरा आवा, पलायता और आसपास गड़ेपान, मोती कुआं में कितनी अवैध क्रेशर चल रही है। मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, आर पार की लड़ाई, या तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, या आईजी की दादागिरी चलेगी। आर पार की लड़ाई 4 तारीख के बाद लड़ूंगा। यह आईजी चाहता है कैसे भी उत्पात हो, मैं शांति से नाप ले। मेरी विनम्र प्रार्थना आप सब लोग वहां रहे,
एक इंच जमीन मेरी अवैध नहीं है, एक इंच जैसी जमीन मैंने खातेदार से खरीदी है उसी पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, पक्का रैंप वगैरह सारा सब कुछ, एक इंच आगे पीछे नहीं किया। जो कच्ची बाउंड्री थी खातेदार की, उसी में उसी ने कन्वर्जन करा के मेरे नाम रजिस्ट्री कराई है। 4 तारीख के बाद प्रशासन को एक एक कार्यवाही पारदर्शिता से और लोगों के खिलाफ करनी पड़ेगी, इसके लिए मजबूर कर दूंगा सारी कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग मिलकर इस आईजी के खिलाफ पूरी ताकत से 4 तारीख के बाद आर पार का संघर्ष करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आईजी चाहता है कि हम पहले उत्तेजित हो जाए, मुकदमे लग जाए, गिरफ्तारी हो जाए और मतगणना में इन लोगों को धांधली करने का मौका मिल जावे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मतगणना के बारे में बाद में बात करूंगा, आज केवल इतना कह रहा हूँ। मैंने एक एक कागज आपको दिया है क्रम से, एक एक कागज इसको जांचे। कल रात को इन्होंने बारिश के लिए कुछ यार्ड डंपिंग यार्ड बाहर खुले में पत्थर डाल देते हैं स्टॉक के लिए, वहाँ जाकर सरकारी जमीन पर आपने पत्थर डाल दिया, खुली जमीन पर डाल दिया। एक JCB को रात के 1:30 बजे जा डंपर को करो, कुछ भी कर सकते हैं, किस बात के FIR 379 कैसे बनेंगे, पत्थर तो मेरा है। पत्थर तो मेरा है ना, और मैं वहां से कोई चोरी थोड़ी कर रहा था, डंपिंग किया है मैंने, मैं स्वीकार कर रहा हूं। और इसीलिए ये आपने देख लिया, दुर्भावनावश मुकदमे लगाना, बदनाम करना, एक बड़ा अखबार लिख देगा कल बहुत जोर से, पूरा राजस्थान देख लेगा मैं अवैध गतिविधियों में शामिल हूं, पूरा राजस्थान जानता अवैध गतिविधि करने वाला शासन के खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई अवैध काम नहीं है। कल आ जाए और जांच पड़ताल कर रहे हैं, मुझे गलत तरीके से बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। 4 तारीख के बाद एक एक को एक्सपोज करेंगे, किसका कहां कब्जा है, शासन प्रशासन को इस पर भी एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो घेरा डालकर बैठेंगे, घेरा डालकर। ब्रॉट टू यू बाय वी गार्ड, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।